Hello everyone, I am Shweta. Welcome to Recycle Craft Ideas. हेल्दी लाइफस्टाइल हमारे डे टू डे लाइफस्टाइल का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन चुकी है. इम्यून रहने के लिए या फिट रहने के लिए हम फ्रेश वेजिटेबल के साथ फ्रूट्स और फ्रूट जूसेस भी लेते हैं. आजकल ज़्यादातर लोग हाइजीन के कारण टेट्रा पैक जूस पे ही भरोसा करते हैं, बट इस्तेमाल होने के बाद ये टेट्रा पैक्स हम फेंक देते हैं. सो आज हम यही टेट्रा पैक का रिसाइकल करके एक न्यू DIY बनाते हैं. डैट विल बी अ ब्यूटिफुल बर्ड हाउस. सो लेट्स स्टार्ट. सो सबसे पहले मैंने इस टेट्रा पैक को कुछ ऐसे कट करके ले लिया है. टॉप से 1 इंच जगह छोड़ के मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है. और इस सर्कल को हमें सीजर से कट करके लेना है. यहाँ मैंने एक वेस्ट कार्डबोर्ड लिया है जिससे हम टॉप का मेजरमेंट लेके कट करके लेने वाले हैं. ये DIY काफी सिंपल है और बनने के बाद बहुत सुंदर दिखता है. अब ये कार्डबोर्ड के पीस को हम टेप के साथ टॉप में चिपकाने वाले हैं, जिससे हमारा ऊपर का हिस्सा कवर हो जाएगा. ये DIY बनाने में हमने कोई तार, खील या स्क्रू का इस्तेमाल नहीं किया है, इसीलिए यह बर्ड शेल्टर टोटली इको फ्रेंडली है. और हाँ, इसे बनाने में आप आपके बच्चों को भी एंकरेज कर सकते हो. आई एम श्योर किड्स गोना लव एंजॉय मेकिंग ऑफ दिस बर्ड हाउस शेल्टर. गाइस, मेरे पास काफ़ी रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट्स है, बट उसके लिए मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपकमिंग सच वीडियोज. सो हमारा बेस अभी रेडी है. अब हमें इसके टॉप के हट को बनाना है. ये बर्ड हाउस को हट शेप देने के लिए मैंने एक कार्डबोर्ड के टुकड़े को उसके विड्थ के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे कट करके लिया है. Now coloring the cardboard part with white acrylic color. Guys, try to use natural color, natural paint for this bird shelter. Make sure that will not harm to your feather friends. कार्डबोर्ड के दोनों साइड को व्हाइट एक्रेलिक से पेंट करने के बाद अब इसे थोड़े देर सूखने के लिए छोड़ देना है. इसी टेक्निक को फॉलो करते हुए मैंने और कुछ बर्ड हाउसेस भी बना लिए हैं फॉर वैरायटी ऑफ बर्ड्स. इस DIY बनाने के लिए आप मिल्क कार्टन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. अब इसे कवर करने के लिए हम डेकोपाज यूज करने वाले हैं. ये एक बर्ड प्रिंटआउट है जो मैंने A4 साइज के नॉर्मल पेपर पे ली है. ये बर्ड प्रिंटआउट मैंने इंटरनेट से ली है. अगर आपको इसकी लिंक चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. मैंने सोचा ये नेचुरल बर्ड प्रिंट ये बर्ड हाउस के साथ बहुत अच्छी लगेगी. अगर आपको कोई और दूसरी डिज़ाइन अच्छी लग रही हो, आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर सिंपली आप एक्रेलिक पेंट से पूरा बर्ड हाउस पेंट भी कर सकते हो. यहाँ मैंने नॉर्मल टैप वाटर लिया है जिससे हम प्रिंटआउट के एजेस थोड़े स्मूथ कर लेंगे. ये फेविक्रिल मॉड पॉज ग्लॉस है
जिसका इस्तेमाल डेकोपाज क्राफ्ट में किया जाता है। इस DIY को बनाने के लिए मटेरियल लिस्ट मैंने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। मॉड पॉज डेकोपेज क्राफ्ट का स्पेशलिस्ट है। ये एक फ्रेंच आर्ट टेक्निक है जिससे पेपर सरफेस पे स्टिक हो जाता है और एक पेंटिंग के जैसा लुक आता है। ये मॉड पॉज एक ग्लू और वार्निश दोनों का काम करता है। अगर मॉड पॉज नहीं हो तो आप वाइट ग्लू या फिर फेविकॉल का भी यूज़ कर सकते हो, बट ट्रस्ट मी गाइस, मॉड पॉज से बेटर फिनिशिंग मिलेगी। इसे चिपकाने के वक्त थोड़े बहुत रिंकल्स या बबल्स आ ही जाते हैं। उसे हटाने के लिए हम प्लास्टिक शीट का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसी टेक्निक को फॉलो करते हुए हम बाकी भी प्रिंटआउट तीनों साइड पे चिपका देंगे। ध्यान रखिए, डेकोपाज ग्लू हमें प्रिंटआउट के नीचे और ऊपर के पोर्शन दोनों जगह पे इक्वली लगाने हैं, जिससे ये प्रिंटआउट एक पेंटिंग की तरह ब्लेंड हो जाए। मैंने यहाँ बर्ड हाउस का मैक्सिमम फ्रंट सेक्शन प्रिंटआउट से कवर किया है। अब इसका बैक साइड हम वाइट एक्रेलिक कलर से पेंट कर देंगे और इसके साथ जो पोर्शन हमारा प्रिंटआउट से कवर नहीं हुआ है उसे भी हम वाइट एक्रेलिक कलर से स्मज कर देंगे। व्हाइट कलर के बेस के ऊपर मैं हल्का सा आइवोरी कलर का टच दे रही हूँ, जिससे ये इजीली हमारे प्रिंटआउट के बैकग्राउंड के साथ मर्ज हो जाए। इसे थोड़ा और रियलिस्टिक पेंटिंग लुक देने के लिए मैं पेंट यूज कर रही हूँ। एक्रेलिक कलर के साथ अगर प्रिंटआउट पेपर या फिर डेकोपाज पेपर मर्ज किया जाए तो ये एक रियलिस्टिक पेंटिंग लुक देता है। So guys, आप मेरी तरह किसी अपार्टमेंट में रहते हो और आपके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है बर्ड हाउस खरीद के रखने का, तो ये DIY प्रोजेक्ट एक बेस्ट ऑप्शन है बर्ड्स लवर्स के लिए।
Isn't it beautiful? Please like my video and comment your views in the comment section below. Also, do not forget to subscribe my channel if you haven't subscribed yet. Guys, your comments are always motivating for me. I always try to make something unique, recycle from the waste material. Your constant support and love is always encouraging me in this journey. Also guys, please share this video maximum with your friends and family so that they can also make this beautiful DIY from the waste materials. I'm using 3D outliner here for the dots. You can decorate it with your choice. ये कार्डबोर्ड पीसेस जो हमने हट के लिए तैयार करके रखे हुए थे। यहाँ मेरे पास एक गिफ्ट पेपर है जिससे मैं हट को कवर करने वाली हूँ। आप चाहिए तो इसको सिंपल वाइट भी रख सकते हो, बट आई थिंक गिफ्ट पेपर से इसको एक अच्छा लुक मिलेगा। इस बर्ड हाउस को हैंग करने के लिए मैंने सुई में एक वुलन थ्रेड ले लिया है। आप वुलन थ्रेड के जगह पे किसी सिंपल धागे का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब हमें इसे नॉट बांध देना है और एक्स्ट्रा पार्ट सीजर से कट करके लेना है। ये कुछ इस तरह से दिखेगा जिससे आप बर्ड हाउस इजीली हैंग कर सकोगे। सो इसी तरह से मैंने और भी बर्ड हाउस के लिए हट बना लिए। Actually, I love the sound of happy birds. इसीलिए तो मैं आज आपके लिए ये जूस टेट्रा पैक को रिसाइकल करके एक क्यूट सिंपल टाइनी ब्यूटीफुल बर्ड हाउस DIY लेके आई हूँ। होप ये DIY आपको भी पसंद आया होगा। इसे और डेकोरेट करने के लिए मैंने मल्टी कलर वुलन थ्रेड से पॉम पॉम बॉल्स बना दिए और इसे बेस में अटैच कर दिए। ये एक नकली स्पैरो है, नकली चिमनी, जिसको मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ। एंड इट्स डन। ये नेचुरल इको फ्रेंडली बर्ड हाउस इज रेडी फॉर योर न्यू फ्रेंड्स। यहाँ मेरे गैलरी में एक पाइप था जिसके ऊपर मैंने टेप से चिपका के इसको टांग दिया है। इस DIY से मेरे गैलरी को काफी अच्छा लुक मिला है। आई एम लविंग इट। कैसे लगा आपको ये नेचुरल, इजी, ब्यूटीफुल, इको फ्रेंडली बर्ड हाउस? सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।
Till then, stay safe and thank you.